दोस्तों तीसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। मोहम्मद सिराज की जगह उमेश यादव, केएल राहुल की जगह पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा की जगह सूर्य कुमार यादव, तो वहीं रविचंद्र अश्विन की भी टीम में वापसी हुई है। और दोस्तों जहां तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो वही इंडिया के टाइम अनुसार ये मुकाबला कितने बजे आने वाला है, वही कौन कौन से एप्लीकेशन है जिस पर आप तीसरे टेस्ट का लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीटली फ्री में देख सकते हो, तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले। अगर केएल राहुल को आराम दिया जाए तो वही तीन नंबर पर बैटिंग करने आएंगे सूर्य कुमार यादव। चार नंबर की बात करें तो विराट कोहली, वहीं पांचवें नंबर पर अजिंक्य रहाणे रहने वाले और छठे नंबर पर ऋषभ पंत रहने वाले। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर की बात करें तो रविचंद्र अश्विन की वापसी हुई है ईशान शर्मा की जगह, इस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जा सकता है। वही नौवें नंबर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं। तो वही आपको बता दूं दसवें खिलाड़ी जो रहने वाले मोहम्मद शमी रहने वाले। 11वें खिलाड़ी की बात करें तो उमेश यादव या फिर मोहम्मद सिराज में से कोई एक खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह बनाने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं केएल राहुल को आराम भी दिया जा सकता है तीसरे टेस्ट में और उनकी जगह पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया जाने वाला है। वहीं चेतेश्वर पुजारा दोनों ही टेस्ट में नाकामयाब रहे जिसकी वजह से उस खिलाड़ी को बाहर बैठाया जा सकता और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में दिया जा सकता। और मोहम्मद सिराज को अगर आराम दिया गया तो उनकी जगह उमेश यादव को टीम में शामिल किया जाने वाला है। दोस्तों बात करते हैं डेट एंड टाइमिंग की। तो तीसरा टेस्ट जो रहने वाला है 25 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है। 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये मुकाबला चलेगा और इंडिया के टाइम अनुसार ये मुकाबला दोपहर को 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। वही हम बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग। मोबाइल में आप सोनी लिव ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। वही अगर हम बात करें टीवी पर कौन सा चैनल लाइव टेलीकास्ट करने वाला, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क लाइव टेलीकास्ट करता है जिसपे सोनी 6, सोनी 10.3, सोनी 10.4 चैनल शामिल है। सोनी 10.3 पर हिंदी में लाइव टेलीकास्ट आता है। वही अगर आपको फ्री में देखना है तो टोटल दो एप्लीकेशन है जिस पर आप कंप्लीटली फ्री में ये टेस्ट देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी? क्या मोहम्मद सिराज और केएल राहुल को बाहर बैठाना सही रहेगा या फिर ये दो खिलाड़ी को खिलाना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर